हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम जा रहे हैं हमारे राइडिंग गियर्स लेने के लिए। राइडिंग गियर्स में मतलब इतना कुछ ऐसा लेना नहीं है, सिर्फ जैकेट्स लेने दोनों के और टैंक बैग लेंगे, वो भी देखेंगे हम कैसा है, उसके बाद डिसाइड होगा। और क्या लेने गए, हाँ टॉप बॉक्स लेना है जो कि हमें नवी मुंबई में कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। एसजी का बहुत सारे स्टोर्स में हमने चेक किया, वो अभी बोल रहे हैं कि सितंबर में आएगा एंड में या फिर अक्टूबर फर्स्ट वीक में। तो मतलब ऑलमोस्ट हम लोग एक 1.5 मंथ से वेट कर रहे हैं, तो इससे ज़्यादा और वेट नहीं कर सकते। तो हमने डिसाइड किया है, एक स्टोर में कंफर्म किया है, तो वर्ली जाना पड़ेगा उसके लिए, हमें वहाँ पे मिलेगा। और बाकी हम माइन से लेंगे जहाँ पे राइनॉक्स स्टोर खुला है। ऐसे तो बहुत सारे स्टोर्स हैं जहाँ पर राइनॉक्स के गियर्स मिलते हैं, बट हमें देखना है वहाँ पर एग्जैक्टली ऐसा क्या है जो मतलब लोग बहुत सारे रिकमेंड कर रहे हैं जाने के लिए, हम भी जाके आएंगे। और आपने हमारा रिसेंटली व्लॉग देखा कि नहीं, संडे ब्रेकफास्ट राइड का, हम लोग बॉम्बे गए थे और संडे ब्रेकफास्ट वहाँ पे करके आए, बड़ा मज़ा आया। उसके बाद हम नरीमन पॉइंट गए थे, मस्त लगता है, बहुत शांत लगता है मॉर्निंग में मुंबई और लेट नाइट। सो आप भी इंजॉय कीजिए वाइब्स। और अभी निकलेंगे, गाड़ी निकाल रहे, ऑलमोस्ट निकल गई। उसके ऊपर कवर डालते हैं तो वो बहुत झंझट हो जाती है, यहाँ से निकालो ये गाड़ी पे से दूसरी पे डालो, क्योंकि वो फिर घड़ी करके कहाँ रखेंगे ऐसा। वो उतारने चढ़ाने में बहुत टाइम लगता है, क्या करें, बच्चे बहुत शैतान हैं, यहाँ के पूरे स्क्रैचेस कर देते हैं गाड़ी पे इसके लिए। सो अभी ऑलमोस्ट हम रेडी हो चुके हैं, बारिश ने मेहरबानी की तो आज का दिन हमारा बहुत अच्छा जाएगा, वरना तो रेनकोट लेके निकले वैसे भी। तो लेट्स सी, चलो तो फिर मिलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हम लोग ऑलमोस्ट खारघर पहुंच गए हैं, लाइक खारघर क्रॉस कर लिया है। अभी हम लोग बेलापुर पे हाईवे पे ही है, अभी टाइम हो रहा है, आप देखोगे 1:06 हो गया है। घर से निकले थे हम लोग लगभग 12:15 के बीच में निकले थे, फिर आगे हमारा एक पर्सनल काम था वो हमने कर लिया, वो काम हो गया, अभी हम लोग निकले। अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं आपका डायरेक्टली स्पीड मर्चेंट, जो आपका एट्रिया मॉल वर्ली में है। मेरा फ्रेंड है विराट, उसने रिकमेंड किया है कि आप वहाँ से देख लो, हमने उसको फ़ोन किया था, मुझे एक्चुअली टॉप बॉक्स की ज़रूरत है, ASG का मैंने देख के रखा है 45 लीटर्स का, बट कैसा है कि वो टॉप बॉक्स जो है ना अवेलेबल है नहीं किधर भी। तो मैंने मेरे कलीग को बताया था, उसने उसके पहचान में जो है वो स्पीड मर्चेंट शिराज नाम करके, उसको पूछा था, उनने बताया कि उनके पास अवेलेबल है। तो आज मैं जा रहा हूँ वहीं पे, उनसे फिटिंग करवाना है टॉप बॉक्स की, उसके बाद वहाँ से हम जाएंगे सीधा राइनॉक्स का ऑफिशियल स्टोर जो आपके माही में ओपन हुआ है, एंड वहाँ से चेक करना है कि राइडिंग जैकेट कैसा कौन सा लेना है, देखते हैं हम दोनों के लिए लेना है, क्योंकि अभी राइड्स बारिश ऑलमोस्ट जाने वाली है एंड बहुत सारी अभी अपकमिंग राइड्स हम करने वाले हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं कैसा रहता है, आपको मैं पूरा दिन बताता हूँ। एंड पहुँच के फिर पहले एक काम एटलीस्ट हो जाएगा ना, एक काम एटलीस्ट हो जाएगा, उसके बाद हम फिर लंच करेंगे। लास्ट टाइम पे अभी हम लोग जब मुंबई गए थे, आप लोगों ने हमारा देखा रहेगा ब्रेकफास्ट ड्राइव वाला, जब हम नरीमन पॉइंट गए थे, वो अभी संडे को ही मैं गया था मुंबई, एंड अगेन अभी हम 5 दिन के बाद फिर मुंबई जा रहे हैं, एंड वो टाइम पे हम कंप्लेन कर रहे थे कि मुंबई कितने टाइम के बाद हम जा रहे हैं, और अभी देखो 1 हफ्ते में हम 2-2 बार मुंबई जा रहे हैं। काम है यहाँ पर, वहाँ पर मिल नहीं रहा है और यहाँ पर अवेलेबल है इसके लिए। एंड वैसे तो राइनॉक्स स्टोर तो जाना ही था ऑफिशियली, क्योंकि डीलर से लेने से अच्छा अगर स्टोर ही आपको ऑफिशियली मिल रहा है तो वाई नॉट वहाँ पर एक बार देख लेते हैं, अगर डील अच्छा लगा, रेट अच्छे में देगा, डिस्काउंट अगर कुछ रहता है तो उनसे ही ले लेंगे, नहीं तो फिर यहाँ एक पहचान में है, यहाँ एक पहचान वाला है आपका खारघर में बाइकर साहब करके, जहाँ से मैंने ये हेलमेट लिया था एक्सोर का, बहुत अच्छा डील दिया इनको कृष्णा के पास, जो आपका वेगा का हेलमेट है हाफ फेस का डीलर वाला, वो भी हमने वहीं से लिया था, गाड़ी का चेन स्प्रे लिया है, कवर लिया है, तो लाइक ही इज़ वेरी नाइस, लाइक कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा मिला हमारे को बाइकर साहब में। लेकिन बात वही है क्या, उनके पास अवेलेबल नहीं है, और मैं टॉप बॉक्स लगाने के लिए 1.5 महीने से रुका हूँ, उनके पास स्टॉक आ नहीं रहा है, और फिर अभी हमें ज़रूरत है, हमें राइड पे आगे निकलना है तो मुझे लगाना पड़ेगा, इसके लिए मैं भी यहाँ दूसरी तरफ देख रहा हूँ, नहीं तो मैं उनसे लगा था। रही बात राइडिंग गियर्स की, तो उनके पास भी राइडिंग गियर अच्छे हैं, लेकिन यहाँ ऑफिशियल स्टोर में एक बार चेकआउट कर लेते हैं अगर रेट्स, क्योंकि वहाँ के हमें पता है, अगर यहाँ पर अच्छा रेट मिला तो यहाँ से लेंगे, नहीं तो हम फिर वहीं से जाते थे शाम में उनसे ले लेंगे। अभी हम लोग ऑलमोस्ट वाशी टोल नाका पहुँचे हैं, एज यूजल यहाँ पे हमेशा ट्रैफिक रहता ही है, और ऊपर से आपको यहाँ पे दिखेगा हर जगह पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में भी अभी कंस्ट्रक्शन का काम चालू ही है। वैसे ब्रिज का जो रोड है वो तो बहुत अच्छा बना लिया है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बारिश जा चुकी है, लेकिन अभी बारिश नहीं है, पूरा क्लियर वेदर स्काई है। वैसे तो फोरकास्ट देख के निकले थे हम लोग कि बारिश नहीं रहेगी। हम लोग ऑलमोस्ट दो दिन से प्लान बना रहे थे कि जाना है, बट बारिश की वजह से हम जा नहीं रहे थे, क्योंकि अभी बीच में दो दिन वेदर फोरकास्ट बता रहा था कि बारिश बहुत ज़्यादा होने वाली, जो कि हुई भी। एंड आज क्लियर स्काई दिखा रहे थे वेदर में, तो आज मैंने छुट्टी लिया था ऑफिस से, एंड आज हम हमारे सारे काम कर लेंगे। तो अभी तो हम लोग देखो वाशी पहुँच चुके हैं। ये ब्रिज देखिए, अभी रोड कंडीशन बहुत अच्छी हो गई है यहाँ की, रास्ते पर ज़रा भी खड्डे नहीं है, जो कि अच्छी चीज़ है, बट इतना है कि तो आपको थोड़ा कॉशियसली चलाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं यहाँ पे ब्रिज के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली बहुत जल्दी कोई अगर ब्रेक मार लेता है तो कंट्रोल गाड़ी नहीं हो पाती है, बट ठीक है अगर संभाल के चलोगे तो रोड बहुत अच्छा है। हमें वर्ली पहुँचना है एंड लगभग देखते हैं एक घंटा और मिनिमम लगेगा, क्योंकि एक बार हम चेंबूर पहुँच जाएंगे तो वहाँ से आपको ट्रैफिक कंडीशन मिलना चालू हो जाएगी प्रभा देवी की साइड में, वर्ली नाके के साइड में। देखते हैं कितना टाइम लगता है पहुँचने के लिए। अभी हम लोग अभी जस्ट ईस्टर्न एक्सप्रेस वे का जो ये है थाने से जो रोड आता है साइन वाला वे अभी हम कनेक्ट करेंगे। अभी हम लोग चेंबूर अभी क्रॉस किए हैं, बहुत ट्रैफिक है और ये गाड़ी सच में ट्रैफिक में चलाने के लायक ही नहीं है। इतना गर्म हो गई है ना, मेरे पैर पे चटके लग रहे हैं। थैंकफुली आज मैं शूज़ और जीन्स दोनों भी पहने हैं तो इतना फ़र्क नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी वो भाप लग रही है मेरे को पैर पे। और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, फ्राइडे है वीकडे है फिर भी ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है, वो भी दोपहर का टाइम, ऑलमोस्ट अभी 140 हो गया है। इतनी ज़्यादा ट्रैफिक कैसी है क्या पता। अभी तो हम लोग साइन पहुँचे, अभी यहाँ से प्रभा देवी का और दादर वाला ट्रैफिक और मिलेगा, बाप रे। हम लोग अभी वर्ली नाका पहुँच गए, अभी एट्रिया मॉल आ जाएगा। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, ऑलमोस्ट एक घंटे के ऊपर हो गया हमारे को निकल के, बट चलो फाइनली पहुँच गए। एंड अभी यहाँ से फटाफट देखते टॉप बॉक्स इंस्टॉल कराते हैं एंड निकलते हैं यहाँ से, फिर लंच करना है सबसे इम्पोर्टेंट। एंड मैं कितने साल के बाद एट्रिया मॉल में आया, जब मैं छोटा स्कूल जाता था जब मैं एट्रिया मॉल में आया था, एंड यहाँ पर बहुत गेम्स सेक्शन था ऊपर, और अब सब कुछ बदल गया है और सिर्फ कमर्शियल ज़्यादा है। चलो चलते हैं अंदर स्पीड मर्चेंट में एंड देखते हैं अपना टॉप बॉक्स अवेलेबल है क्या नहीं। सो हम लोग का अभी जस्ट स्पीड मर्चेंट से सब लेके हो गया, हमने टॉप बॉक्स भी ले लिया और हमने टैंक बैग भी ले लिया। मैं आपको बता दूँ दोनों भी चीज़ें हमें अच्छे खासे डील में मिल गई है। आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि अगर आप ये एरिया में रहते हो या फिर अगर आपको कोई बाइकिंग एसेसरीज लेना है, डेफिनेटली कॉन्टैक्ट टू स्पीड मर्चेंट। मैं नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो उनको। लाइक बहुत अच्छी सर्विस थी और डिस्काउंट भी हमें अच्छा खासा मिल गया है। स्पेशल थैंक्स टू विराट ऑल्सो, विराट के रिकमेंडेशन से हम यहाँ पर आए थे। बट जनरली ठीक है, चलो टैंक बैग भी हो गया एंड हमें अपना टॉप बॉक्स भी मिल गया। यहाँ पर हमने जैकेट्स भी देखे हैं, एक लाइन ऑफ एयर जीटी करके जैकेट है, वो मैंने चेक भी किया, लेकिन उसमें मेरी साइज नहीं अवेलेबल थी। लाइक 5XL अवेलेबल है, 3XL अवेलेबल है एंड आई थिंक मुझे 4XL परफेक्ट आता था, बट वो अवेलेबल नहीं थी। 5XL थोड़ा बड़ा हो रहा था तो मैंने कंसिडर नहीं किया। अभी हम लोग स्पीड मर्चेंट से निकल चुके हैं, अभी हम लोग ऑलमोस्ट हजेली क्रॉस कर रहे हैं, हो रही है आपकी हजेली की तरह। एंड अभी हजेली से हम क्रॉस करके यहाँ से लेफ्ट लेके देखेंगे, यहाँ कहीं ना कहीं लंच मिलता है तो लंच करेंगे एंड डायरेक्टली स्ट्रेट अवे हेड टू आपका पेंड्रा। तो अभी हम लोग तारजो में है एंड स्पीड मर्चेंट से सब सामान लगा के हो गया। अभी हम लोग सरदार पाव भाजी आए हैं, इसने अभी तक यहाँ की कभी पाव भाजी खाई नहीं, तो हम लोग यहाँ का पाव भाजी खाएंगे एंड फिर यहाँ से डायरेक्टली हम माहिम के लिए निकलेंगे एंड देन बेंड्रा। अभी हम लोग जस्ट सरदार से पाव भाजी खा के निकले हैं एंड अभी हम लोग महालक्ष्मी सिग्नल पे है। महालक्ष्मी का आपका ये स्टेशन है, इसी के सिग्नल पे है। अभी यहाँ से हम फिनिक्स जो है लोअर परेल का हाई स्ट्रीट फिनिक्स, वहाँ से सीधा आप सीधा प्रभा देवी के नीचे वाले रास्ते से जाओगे तो हम राइनोक स्टोर पहुँच जाएंगे। अभी ऑलमोस्ट यहाँ से 14 किलोमीटर दिखा रहा है, सो कितना टाइम लगता है देखते हैं। अभी ऑलमोस्ट 3:30 बज के गए हैं एंड ये लेफ्ट साइड में आपका देखिए महालक्ष्मी का ये रेस कोर्स है।
बैंड्रा हम लोग गए थे लिंकिंग रोड, ना रॉयल एनफील्ड में काम हुआ और ना ही लिंकिंग रोड पे काम हुआ, साथ ही में फाइन भी पड़ गया 200 रुपये का विदाउट मास। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो सब होते रहता है ऊपर नीचे, बट स्टिल वी आर वेरी वेरी मच लाइक हैप्पी कि आज हमारा राइडिंग में फर्स्ट स्टेप हो गया। हमने राइडिंग गियर्स खरीद लिए, टैंक बैग खरीद लिया, टॉप बॉक्स खरीद लिया, ग्लव्स मेरे पास है, शूज़ मेरे पास है, सो ऑल सेट। नेक्स्ट मंथ बहुत बड़ी बड़ी राइड्स होने वाली है। सो अगर आप पहली बार ही चैनल को देख रहे हो और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा, आप बहुत सारे कंटेंट मिस कर रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड देखिए हम कैसा कैसा आप लोगों को भी वर्चुअली एक्सपीरियंस कराते हैं हर एक जगह का जहाँ पर हम विजिट करेंगे। सो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब येट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में एंड में नाम और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक एक साथ मिल जाएगा इंस्टाग्राम की, तो वहाँ पर जाके हमें फॉलो भी कर सकते हो। हम लोग आ गए वापस, बहुत सारा शॉपिंग किया, बजट जो बनाया था उसके सब ऊपर चला गया, बट ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट है तो उसके लिए कोई रिग्रेट नहीं है। रिग्रेट मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझे फाइन मारा उस पर, मैंने जस्ट हेलमेट निकाला, बैंड्रा गए थे हम लोग, और थोड़ा सा मतलब हेलमेट उतारा मास्क पहनने तक उसने मेरा फ़ोटो ले लिया और बेफजूल में मुझे 200 रुपये का फ़ाइन लग गया। मुझे बहुत बुरा लगा उस चीज़ का, दिल पे लग गया, मतलब यहाँ 20,000 गए उसका बुरा नहीं लगा पर उस 200 रुपये का बहुत बुरा लगा सही में। चलो कोई नहीं, होता है अप्स एंड डाउन्स। सो फाइनली तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी सब दिखाएंगे हम लोग आपको, उसके लिए अलग से व्लॉग बनाएंगे कि हमारे जैकेट कैसे हैं, बाकी हमने जो लगेज लिया है वो कैसा है और सब उसका प्राइस, वो सब हम लोग उसी में बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।